हेलो भाई, मैं हूँ नवीन मालवीय और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी गाड़ी के बारे में जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है। मतलब मॉडिफिकेशन के बारे में कह लो या फिर प्राइस वाइज कह लो, माइलेज वाइज कह लो या फिर डिज़ाइन वाइज कह लो, है ना। अगर मतलब सबसे ज़्यादा फेमस गाड़ी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि क्या कुछ इसमें आपको मिल जाता है, ये गाड़ी क्या क्या आपको ऑफर करती है प्राइस के मुकाबले, और प्राइस के हिसाब से आपको क्या क्या चीज़ इस गाड़ी में मिल जाती है, तो वो आज चीज सब इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को भी ऑन कर ले ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। तो बात कर लेते हैं सामने की तरफ से। सामने आपको हीरो स्प्लेंडर प्लस की बैजिंग मिल जाती है मास्क पर, और ग्राफिक्स कुछ ब्राउनिश टाइप के कलर में आपको मिल जाते हैं। नीचे नंबर प्लेट एरिया मिल जाता है, मडगार्ड मिल जाता है नीचे, और डुअल सस्पेंशन सेटअप आपको ये गाड़ी ऑफर करती है, और मडगार्ड पर IBS की बेजिंग भी आपको देखने को मिल जाती है। बात कर लेते हैं इसके अलॉय व्हील की। आपको ये गाड़ी में अलॉय व्हील भी ऑफर कराया गया है। टायर साइज की बात करें तो 80x100 सेक्शन के टायर विथ 18 इंच अलॉय व्हील के साथ में ये गाड़ी आती है। साइड टर्न इंडिकेटर वगैरह सब कुछ, काफ़ी सारी चीज़ें आपको उसमें देखने को मिल जाती हैं। बात करें सामने की तो यहाँ पर आपको साइड ग्लास कुछ प्लास्टिक क्वालिटी में मिलेंगे, और स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, फ्यूल गेज सब कुछ आपको इस गाड़ी में मिल जाता है। चाबी की बात करें तो कुछ इस टाइप की चाबी मिल जाती है, और लगा के चालू करके देखते हैं तो सिंपल सा एनालॉग में आपको मतलब ये मिल जाता है, न्यूट्रल की है, हरी टाइप की ये मिल जाती है देखने को। और बात करें हैंडल की तो यहाँ पर लाइट के स्विच मिल जाते हैं, इंडिकेटर के ये मिल जाते हैं, और यहाँ पर हॉर्न का एक स्विच दिया गया है, इंजन स्टॉप बटन और सेल्फ मिल जाता है यहाँ पर। टैंक पर हीरो की बैजिंग भी मिल जाती है, और स्प्लेंडर की बैजिंग आपको टूल किट बॉक्स पर मिल जाएगी। i3S की बेजिंग यहाँ पर भी दी गई है हीरो ने। बात कर लेते हैं पीछे की तरफ से, तो पीछे की तरफ आपको ग्रैब हैंडल कुछ मेटल में मिलेगा, स्टील टाइप में, और हेलोजन टेल लाइट मिल जाता है, और नंबर प्लेट एरिया रिफ्लेक्टर मिल जाता है पीछे की ओर, और बाजू में साइड टर्न इंडिकेटर भी आपको इस गाड़ी में दिए गए हैं। पीछे की टायर साइज की बात करें तो अलॉय व्हील इसमें भी ऑफर गए कराया गया है। 2.75 सेक्शन के टायर विथ 18 इंच अलॉय व्हील के साथ में गाड़ी आती है। डुअल सस्पेंशन सेटअप आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाता है। बात करें सेफ्टी फीचर्स की तो सेफ्टी फीचर्स में सिंपली ड्रम ब्रेक्स ऑफर कराया गया है। आपकी स्पीड भी इस गाड़ी की कम है, इंजन भी थोड़ा सा कम है, इसलिए बढ़िया है प्राइस वाइज कि ड्रम ब्रेक है। और सीट की बात करें तो कुछ सिंगल सीट आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाती है, और ये रहा साइड का लुक पीछे का और साइड का। वॉक अराउंड देता हूँ पूरी बाइक का, हवा चल रही है उसको थोड़ा सा बाइक का। ये रहा फ्रंट लुक, बढ़िया लगती है अगर मान लो, काफ़ी रिलायबल है, इंजन भी बढ़िया, रिफाइननेस भी इंजन की बहुत बढ़िया है। और अगर हम ये गाड़ी लेते और काफ़ी साल तक मान लो चलाते तो बाद में मॉडिफिकेशन भी आराम से करा सकते, क्योंकि मॉडिफिकेशन के मामले में सबसे ज़्यादा फेमस गाड़ी है भाई हीरो स्प्लेंडर प्लस। हर जगह देख लो, सबसे ज़्यादा तो पंजाब में सबसे ज़्यादा फेमस गाड़ी है पंजाब में, और वैल्यू फॉर मनी पैकेज है इस सेगमेंट में। हम काफ़ी सारी गाड़ियाँ आती है इसके मतलब कंपेरिजन में देख ले तो काफ़ी सारी गाड़ियाँ आती है, लेकिन सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हीरो स्प्लेंडर प्लस को। जिसकी हाइट थोड़ी कम है उसके लिए भी बहुत बढ़िया ऑप्शन है ये, क्योंकि छोटी गाड़ी है और बढ़िया मतलब चलती भी बढ़िया है, चलने में भी राइडिंग क्वालिटी भी बहुत शानदार है इस गाड़ी की। मैं थोड़ा सा चला के भी दिखाऊंगा इसकी, इसका थोड़ा सा साउंड भी सुनाता हूँ मैं आपको कि किस टाइप का इसके मतलब साइलेंसर का साउंड है। और चलिए फिर चालू करते हैं। कुछ इस टाइप का इसके साइलेंसर से आवाज़ आती है, सुन सकते हैं। नई गाड़ी है, BS6 इंजन है, और इंजन की बात कर ले तो
पहले साउंड सुन लीजिए, पहले साउंड सुन लीजिए, फिर इंजन के बारे में बस पूरी डिटेल देते हैं। इंजन की बात करें, इसमें आपको 97.2 सीसी का BS6 एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन मिल जाता है, जो कि प्रोड्यूस करता है लगभग 8.2 BHP की पावर और लगभग 8.5 Nm का टॉर्क, जो कि प्राइस वाइज और इंजन के हिसाब से उसकी मतलब पावर बहुत शानदार है भाई। ये बाइक की माइलेज कंपनी क्लेम करती है लगभग 70 किलोमीटर पर लीटर की। और बात कर ले इसके प्राइस की, तो इसका एक शोरूम प्राइस है लगभग 70,000 और RT और इंश्योरेंस और अदर प्राइस लग जाता है लगभग 12,000 का, तो ये गाड़ी आपको ऑन रोड पड़ जाती है लगभग 82,000 की मध्य प्रदेश में, जो कि बहुत शानदार है भाई। और कुछ इसका हिसाब बताता हूँ, इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम, एक ब्रेक मारते हैं तो दोनों ही ब्रेक लगते, इसका ये मतलब हो जाता है। बात कर लेते हैं बाइक की राइड क्वालिटी की, तो बहुत अच्छी है बाइक की राइड क्वालिटी। अगर हमको कम स्पीड में गाड़ी चलाना है तो बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जैसे कि हम 70-80 की स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं और सामने से कोई आ जाता है और हमने अचानक से ब्रेक मार दिया, तो बाइक की स्टेबिलिटी कम हो जाती है, बाइक टेढ़ी हो जाती है थोड़ी सी ब्रेक। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।